हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू में वन ऑल सिरप के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। वन ऑल सिरप का मुख्यतः इस्तेमाल एलर्जी की समस्या दूर करने में किया जाता है। यह एक पीडियाट्रिक सिरप है, इसे केवल बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए इस सिरप के बारे में और अधिक विस्तार जानते हैं। इस सिरप कैसे काम करता है, क्या इस्तेमाल होता है, इस सिरप के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस सिरप से जुड़े सभी सवाल के जवाब आपको शुरू में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। FDC लिमिटेड कंपनी का ये 30 ml का सिरप आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 34 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। वन ऑल सिरप में लियोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड IP 2.5 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद लियोसिट्रिजिन यह ड्रग एंटीहिस्टामिन के क्लास में आता है। यह बॉडी में उन केमिकल मैसेंजर को रोकता है जो एलर्जी और सूजन का कारण बनते हैं। बात करते हैं सिरप की यूजेस की, इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल एलर्जी, धूल के कारण होने वाली एलर्जी की समस्या, बार बार छींक आने की समस्या, स्किन पर खुजली आने की समस्या, पित्ती, कफ, सर्दी जुकाम से नाक बहना, सर्दी जुकाम से नाक बंद होने की समस्या, इन सभी समस्याओं में डॉक्टर इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं सिरप की डोसेज की। आप अपनी समस्या बताकर इस सिरप का डोस अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। याद रखें दोस्तों, यह एक पीडियाट्रिक सिरप होने की वजह से इसका डोस आपके बच्चे के वजन पर निर्धारित रहता है, इसलिए हमेशा इसका डोस अपने डॉक्टर से निर्धारित कर ले। 5 से 7 साल उम्र के बच्चे ये सिरप 2.5 ml दिन में 2 से 3 बार अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ले सकते हैं। साइड इफेक्ट, इस सिरप के इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभाव। अगर आपके बच्चों को इस सिरप में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है तो उनको बता के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि उनको बता के कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस सिरप के इस्तेमाल से उनको दस्त, मितली, उल्टी, नाक बंद होना, कब्ज, खांसी, पेट दर्द, ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस सिरप को यूज करते समय सावधानी। अगर आपके बच्चों को इस सिरप में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है या फिर उसे इसके इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है तो आप उसे इस सिरप का इस्तेमाल करना बंद कर दे। अगर आपके बच्चों को लीवर से या किडनी से जुड़ी कोई समस्या हो तो इसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दे। अगर आपका बच्चा अति संवेदनशीलता से पीड़ित है तो इस सिरप का यूज न करे। अगर आप पहले से ही कोई अन्य मेडिसिन या फिर सिरप अपने बच्चों को दे रहे हो तो इसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दे। इस वजह से इस सिरप का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।